जय हिंद साथियों, SSGD अभ्यर्थी अब ध्यान देंगे, आपका समय लास्ट आ गया है क्योंकि फिजिकल की डेट भी आ गई है, एडमिट कार्ड भी आ गया है और तैयारी आपकी किस तरीके से है यह आप भली भांति जान रहे हैं। तो आपको अपने तैयारी में अब सूझबूझ से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। 50,000 बहाली है अभी भी, ऐसा ये प्रतीत होता है हम लोगों को कि जो फिजिकल पास करेगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी थोड़ी सी चालाकी से। अब लास्ट समय में क्या आपका प्लानिंग है ये काम आएगा। सबसे पहले आप जो धूप वगैरह है उससे बचें। आप देख रहे हैं ना कितना लू चल रहा है, किस तरीके से कितना ज़्यादा धूप है और कितनी परेशानी होगी इस धूप में उन अभ्यर्थियों को जो प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस धूप में सबसे पहले आप करना बंद करें। धूप में प्रैक्टिस करेंगे आपको कई तरह की दिक्कत आ सकती है क्योंकि धूप लू ऐसा चल रहा है कि बाहर में गाड़ी चल रही है तो लग रहा है कि आप अग्निवीर बन गए हैं। इतना ज़्यादा धूप है, आग जल रहा है, उसमें गाड़ी चलाओगे तो अग्निवीर का फील आ रहा है। तो धूप से बचें और वेल प्लान होना जरूरी होगा। पेशेंस रखिए और जितना टाइम बचा है दिल खोल के दौड़िए। एक दिन का रेस्ट चाहिए बहाली के एक दिन पहले, बाद बाकी आपको रेस्ट नहीं करना है। एकदम रेस्ट करना भूल जाओ और तैयारी अच्छे से करो, पानी ज़्यादा पियो। सभी चीज़ का उपाय है वाटर, अगर आप पानी पीते हैं दूध से ज़्यादा फायदा करेगा। पानी पियेंगे डिहाइड्रेशन, उल्टी जैसा मन नहीं करेगा दौड़ने में, पेट नहीं गड़ेगा, बहुत तरीके की चीज़ है। बॉडी पूरी रिलैक्स रहेगी, फ्री रहेगी, दौड़ने का मन करेगा। तो अंतिम समय में आप इन सब चीज़ों को समझ लें कि पानी ज़्यादा पिए, धूप में प्रैक्टिस ना करें, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रख के दौड़ लगाएं। और जब भी आप दौड़ें तो एक बार अपने परिवार की मजबूरी को जरूर याद करना। इंसान को वही ऊपर ले जा सकता है जो उसकी खुद की मजबूरी है। लाख मोटिवेशनल वीडियो देख लो लेकिन खुद के मोटिवेशन से ज़्यादा क्या मोटिवेशन हो सकता है। खुद का स्ट्रगल, अपने परिवार का स्ट्रगल को देखते हुए आपको इस बहाली को पास करना होगा क्योंकि आपका ये लास्ट समय है। और लास्ट समय में अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो आप फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। तो आपको गलती कोई भी नहीं करना है। और इस दौरान आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह का यूज़ करना है, जूस वगैरह पीना है, बॉडी में जितना ज़्यादा लिक्विड डाल सको ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं कान खोल के मेरी बात को सुन लें कि एकदम हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हारोगे तो आप इसमें फेल कर जाओगे। हिम्मत हारने वाला अभ्यर्थी कभी पास नहीं कर सकता। जो लड़का हिम्मत बना लिया, और एक बात और, जो 5 किलोमीटर पूरा बहाली में दौड़ेगा ना वो बहाली पास करेगा। तो बहाली में 5 किलोमीटर पूरा दौड़ जाना है, किसी भी तरीके से आप बहाली में पास कर जाएंगे। टाइमिंग वहां बताते रहेगा एम्बुलेंस वाला पीछे से, वो टाइम नहीं बताएगा कि इतना लग रहा है, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि काफी समय है, भागो। रुकना नहीं है, कदम रुका कि कहानी गोल हो जाएगा, कदम रुकना ही नहीं है। और एक सांस में 5 किलोमीटर पूरा है, दौड़ दौड़ के नहीं दौड़ना है। 2 किलोमीटर दौड़ो फिर चले, फिर दौड़े फिर चले, ऐसे करते हैं लड़के, ये कभी नहीं करना है। मेहनत करें और रिजल्ट को लाएं। अगली वीडियो जो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।